الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا لإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم अलहमसा महमद वाल आल महमद वबारक वसलम रबिस रहाली सौदरी यसरली अमरी वाहदतमलिससानफ़ाह बजायली वज़ी अमिन आमीन या रबल आलमी कुरानी हकीम का छब्बीसवा पारा उसकी पैरी सूरत है सूरत अहकाफ़ मक्की सूरत है और इसकी आयत नंबर पंद्रह तिलावत की गई है इसका तर्जमा इस तरह है ववस नंसान बीवारी दही एहसाना और हमने इंसान को वसीयत की उसके वालदे के बारे में उसने सलूक करने की हमलत हो उम हो कुरहा उसकी माँ ने उसको उठाए रखा तकलीफ़ झेलते हुए हालत हमल में वात हो क्रहा और उससे जन्म दिया तकलीफ़ झेलते हुए व हमलह हु व फिस न शहरा और उसके इस हमल की मदद और दूध पिलाने की मदद का मामला तीस महीने हैं तदा बलगा अशुद्ध हो यहाँ तक कि वो मजबूत हो गया पुख्ता हो गया मुराद उम्र के अतबार से व बलग रबी सनतन और पहुँच गया चालीस बरस की उम्र को कौल उसने अर्ज़ की रब अवज़ैनी ए मेरे रब मुझे तोफ़ी आता फ़रमा अन अश्कुर आमतालैया कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ उस नमत पर जो तूने मुझे आता फ़रमाई व वा आला वाली दया और मेरे वालदेन को आता फरमाई अन आमला हम वाल और ये कि मैं वो नेक अमल करूँ कि जिसे तू पसंद फरमाए जिससे तू राज़ी हो जाए वह असल यती और मेरी इसला... मेरी औलाद के मामले में मेरे लिए इस्लाह का मामला फरमा दे इम्नि तुब तो का बेश मैंने तेरी तरफ रजू किया व इन नी मिनल मुस्लिम और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ यह सूर आकाफ है सर, उसकी आयत नंबर पंद्रह का तरजमा छब्बीस से बारे में ये सूरत आई है और जैसे कि तर्जमे से अंदाज़ा हुआ कि वालदान के की हवाले से कलाम आया है अलबत् बहुत जाम आयत है और इसमें वालदान का और वालदे में से बिलखसूस वालदा का तस्करा है उस माँ की जो मुशक्तें वो उठाती हैं हालत हमल के दौरान बच्चे को जन्म देने के दौरान और इब्तदाई खूस दो बरस दूध पिलाने की मदद के दौरान उनका खास अल्लाह ने तस्करा फरमाया फिर ये जिक्र भी है कि अल्लाह ताला ने उसने सलूक का हुक्म दिया माँ बाप के बारे में और हमल की मदत और दूध पिलाने की कुल मदद बयान की गई है तीस महीने उसका वजहत का पहलू आ जाएगा कि दो साल दूध पिलाने की मदद है कुरानी हकीम बयान फरमाता है सुरतलबकर में तो कम से कम हालत हमल का मामला ये छः महीने का भी हो सकता है बहुत रेयर केस है लेकिन इसमें बड़े तफसी निकात हैं जो सहावे के सहाबे कराम के दौर से हमें मिलते हैं और उसकी बुनियाद पर अदालती फैसले भी किए गए थे इसी के साथ साथ इंसान की जवानी का जिक्र पुख्ता होना जिसमानी एतबार से और फिर उसका आ, फिक्री एतबार से शुरू के अतबार से पुख्तगी पा लेना चालीस बरस की उम्र में उसका तस्करा इस चालीस बरस की उम्र के साथ क्या कुछ करने के पहलू हैं वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से अल्लाह मुझे तौफीक अता फ़रमा अवज़नी का लफ्ज़ है इस पर आगे थोड़ा कलाम होगा तौफीक मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक दे उस नमत पर जो तूने मुझे अता फरमाई और उस नमत पर भी जो तूने मेरे माँ बाप को अता फरमाई ये दुआ हो रही है कि अल्लाह नेक अमल की तोफ़ी अता फरमा कौन सा नेक अमल जो तुझे पसंद हो जिससे तू राजी हो जाए इसमें भी बात है आगे बात करेंगे इन साथ औलाद की फिक्र भी है कि अल्लाह मेरी औलाद के मामले में मेरे लिए इसलह का मामला फरमा दे न सिर्फ यह कि मेरी औलाद सदक जारिया हो नस्लों के अंदर खैर जारी फरमा दे मेरी ताकि मेरे लिए मामला बेहतर हो जाए और आखिर में इस करते हैं तौबा की है तेरी तरफ रजू किया और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ बहुत जाम आयत है इस पर कलाम करेंगे इससे कबल की आयत में अल्लाह तिक्र फरमायादी नकाल रब्ला बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर इस पर वो डट गए जम गए फला खौफन वह जनून ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे फिर फरमाया जन्नत यह जन्नत वाले हमेशा उसमें रहेंगे जजाक उसके बदले में जो वो अमाल करते थे ये गुजशत दो आयतों का तर्जमा आयत नंबर तेरह और चौदह का अल्लाह पर ईमान लाने वाले इसमत का मुजाहरा करने वाले जन्नत पाने वालों का जिक्र है और फिर ये आयत है जिसका मुताल कर रहे हैं जिसमें वालदे के बारे में का हुक्म है तो अल्लाह पर ईमान का मां बाप के साथ उससे कलाम हो जाएगा इन शुरू पर शुक्र गुजारी की सिफत इख्तियार करे अल्लाह पर ईमान का तकादा ये भी है कि बंदा वो नियमत जो उसे अता हुई और जो उसके वाले को अता हुई उस पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाए ईमान का तकादा यह भी है कि बंदा अल्लाह से अपने लिए भी दुआएं मांगे और अपनी औलाद के लिए भी दुआएं मांगे अपनी भी फिक्र करे अपनी औलाद की भी फिक्र करे अपनी औलाद के खैर पर आ जाने की नेक रहने की सदक़े यारियाँ बनने की दुआ भी करे कोशिश भी करें बंदा अल्लाह के हरू तौबा करे पलट आए अल्लाह के तरह बंदा अल्लाह का मुस्लिम रहे ये भी ईमान का तकादा है तो पिछली दो आयात में ईमान और इसकामत और अहिल जन्नत का तस्करा करके ये आयत है जिसका मुताल करना इस सियाक व सबाक में भी इसको समझना चाहिए इस आयत की तरफ दो तीन अतबार से तोज्जो हुई है गुजशत दिनों में कुछ ऑनलाइन सर्चिंग तो करना होती है हम लोगों को मदरसिन को या जिन्हें कुछ गुफ्तु को करनी होती है तो मस्जिद हराम के आ, शेख शुरेम साहब जब रिटायर हो गए हैं उनका एक अरबी खुदबा तर्जमे के साथ मिला उन्होंने इस आयत को ही बयान किया आप सर्च करेंगे आपको भी मिलेगा और लगा कि वो खुद भी रो रहे हैं पूरा हरम भरा हुआ है और वो जो माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला जा बजा कुरान करी में जिक्र करता है वाक़ता अगर बंद मोमिन अल्लाह का कलाम समझ के कुरान को पढ़े यकीन के साथ और फिर अल्लाह के रसूल की अदीस उसके सामने हो तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस कदर माँ बाप के बारे में कोतहियाँ करते हैं तो उससे भी ज़रा याद दहानविस पर तोज्जो का मामला हो इसी तरह हमारे यहाँ तंजीम इस्लामी में हमारा जो भी इज्तमा हो छः अफराद का हो या छः सौ अफराद का हो तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि कुरानी हकीम का तस्करा कुरानी हकीम का तर्जा तशरी का मुतादा भी हो अब ये तंजीम के साथियों के लिए भी है एक हमारा मरकजी उस तरह है इंग्लिश में आपके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी आप कह सकते हैं तो वो हमारी तंजीम में लाहौर में हमारे मरकज़ में है तो वहाँ हर जुम्रात को हमारा एक इंतज़ामी और दीगर एतबार से गुफ्तु का पहलू होता है उसमें भी हम कुरानी हकीम का सिलसिल मुताला कर रहे हैं डॉक्टर इसराज साहब रहा का जो बयान क़रान है तफसर है तर्जमा मुख्तर तशरी के साथ तो वो इस्ता से कल उसी का मताल हमारे जेर मुताल आया और फिर एक और वजह ये बनी कि चौदह मई गुजरी है अभी तो मदरस डे मनाया गया सारी दुनिया में और हमारे वालों को भी बड़ा इसका शौक़ हो गया है तो आज मैंने चेक किया कि फादर्स डे कब आना है तो वो अनाउंसड है अट्ठारह मई को अठारह जून को और लिखा हुआ था कि यू हैव टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर्स यू हैव टाइम टू प्लान योर सेलिब्रेशन रिगार्डिंग द फादर्स डे तो आज ये दौर आ गया है कि माँ को याद रखवाने के लिए साल में एक दिन मनाया जाता है बाप को याद रखवाने के लिए साल में एक दिन मनाया जाता है ये उस तहजीब का वर्जन है कि जो दजाली तहजीब बिलाशुबा बनती जा रही है बन चुकी है यह उस तहजीब का वर्जन है कि जिसकी उठान वही की तालीम के बग़ैर है और वो असरात हमारे भी अब तो हमारे कुछ लोग कहते हैं मुस्ंद है उनका फरमाया हुआ वहाँ से जो आएगा वो मुस्ंद है और फिर एक सरमाएदार का दिमाग होता है वो तो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए नए रास्ते तलाश करता है तो हर दो महीने पे आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मौका नजर आ जाएगा वैलेंटाइंस डे था अल्लाह का शुक्र है हमारे माशरे में उसका जोर टूटा है और ये मसबत पहलू भी सामने रहना चाहिए यानी अगर आज से हम आठ दस साल पुरानी बात करें तो शहर में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और बीस सिग्नल्स पर आपकी मेरी गाड़ी रुके तो चौदह फरवरी को रात में या तेरह फरवरी की रात एक दिन पहले आपको बीस के बीस जगह गुलाब के फूल बेचते हुए बच्चे नजर आते थे अब अगर आप ट्रैवल करें कराची में तो एक जगह भी नजर नहीं आता और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर न सिर्फ एक दीनी तरफ से बल्कि हमारे दीगर माशरे के तबक की तरफ से इवन यानी ये कहने वाली बात तो है अप्रिशिएट करने वाली बात है शो के लोगों की तरफ से भी बात हो ठीक है ये तो हमारे हमारी तहजीब और हमारी अकदार को बर्बाद कर देने वाली बात है तो अलहमदल मैं शुक्र अदा करता हूँ पॉजिटिव बात भी आनी चाहिए कि वैलेंटाइंस डे का जोर हमारे माशरे में टूटा है इसी तरीके पर हेलोइन का तस्वर जो पिछले एक दो सालों में आपने सऊदी अरब में देखा वो भी बहते चले जा रहे हैं और अपने आप को पता नहीं क्या शो करने पर पड़े हुए हैं जिस बेहूदा तरीके पर वहां पर हेलोइंस डे मनाया गया थर्टी फर्स्ट अक्टूबर हमारे मुल्क में भी चला है जरा इलीट क्लास में वो ज्यादा नुमाया है होटल्स के अंदर बुकिंग का भी मामला चलता है इंतहाई बेहूदा किस्म का त्यौहार है तो हर थोड़े ऐसे में कभी वेलेंटाइंस डे के नाम पर कभी हेलोइन के नाम पर दो चार और भी होंगे मुझे मालूम नहीं है कभी मदर्स डे के नाम पर कभी फादर्स डे के नाम पर पंद्रह साल पुराना एक बड़ा लीडिंग न्यूज पेपर है अंग्रेजी का उसमें क्वार्टर पेज का एडवर्टीजमेंट छपा फादर्स डे के नाम पर यू प्लेस योर ऑर्डर आप जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करें फला मशहूर कुरियर कंपनी है वो आपके अब्बा को आपके बिहाफ पर पहुंचा देगी क्या एक बड़ा सा मग होगा एक टाई होगी और दो कफलिंग होंगी क्यों भाई मैं अपने अब्बा को खुद कोई तोहफा पेश नहीं कर सकता मुझे क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि मैं तुम्हें ऑर्डर प्लेस करके अपने अब्बा को अपने ही घर के अंदर कुरियर के जरिए से जो है वो तोहफा मंगवाऊं मतलब क्या ये बेहुदा बात है ये है वो सरमाएदार का दिमाग कि जो हर तरह के इस चीज अपॉर्चुनिटीज को टैप करके पब्लिक के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है लेकिन इसके नतीजे में जो तहजीब और अखदार का बेड़ा गर्क हो रहा है हमारी आंखें इसके ताल्लु से खुलनी चाहिए दो हजार सात की बात है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूं सेप्टेम्बर दो हजार सात की बात है इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ाया जब यह मौजू आया और कलाम किया तो चार स्टूडेंट ने जो इसी शहर के इसी शहर के इलीट तबके के घरानों के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि सर बरसों के बाद याद आया कि माँ बाप के लिए दुआ भी करनी चाहिए ये 2007 सितंबर की बात करो खुद गवाह इस चीज का और अब जो हम हा, आप हालत देख रहे हैं ओल्ड हाउसेस बनते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर आपके मेरे शहर में बन रहे हैं ठीक ठाक किस्म के और बड़े लुकरेटिव किस्म के भी पैकेजेस उसमें आ रहे हैं आप अपने अब्बा को यहां डिपोजिट करा दें अम्मा को डिपॉजिट करा दें हम इनकी टेक केयर कर लेंगे एडी होम में कभी जाना हुआ कुछ प्रोग्राम्स के लिए कैसे कैसे माँ बाप वहां पे बेचारे सड़ रहे जवान औलादे शहर के अंदर मौजूद हैं इन्ना ये उस मगरबी तहजीब की नकाली में यहां तक तो हम जा रहे हैं और गए दिन आपके हाँ सामने हमारे सामने कितने केसेस आते हैं बैठ से बच्चे ने बाप को मारा है बच्ची माँ के सामने सीना तान कर बात कर रही माँ भी दस मरतबा सोचती कि इसको कुछ कहूंगी तो पलट का जवाब ना दे दे जो अहादीस में अलामत क़्यामत का तस्करा भी आता है मैं बहुत हल्के हल्के अंदाज से कुछ कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ वरना बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं अल्लाह हमारे घरानों की हफाजत फरमाए और अल्लाह की कसम ईमान ना होना और अल्लाह की कसम वही की तालीम सामने ना हो तो अब बच्चे नए नए सवाल कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता बस इशारत नहीं है कि क्या हकूक हकूक माँ बाप के हकूक इनके मसले तो इन्होंने शादी कर ली मुसीबत हमें हम पैदा हो गए हम इनकी क्या हकूक अदा करें ये अकल पर परखेंगे तो यही अकल यहाँ तक लेके जाएगी शैतान की अकल थोड़ी कमजोर थी क्या लेकिन गलत जगह इस्तेमाल की वही के मुकाबले में इस्तेमाल की आज अकल परस्तों की फितरों की बुनियाद पर यह बातें हो रही है हमारे माशरे में फिर एक तबका जो निकाह का इनकार कर रहा है एक तबका एल जी बी टी को प्रमोट करने की बातें कर रहा है तो घर गया बर्बाद फिर फैमिली सिस्टम तो हो गया बर्बाद तो मगर अभी तहजीब तो बेचारी रो रही है आज कल चीखेंगे चिल्लाएंगे और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं हम कहां जाएंगे इस एतबार से हमारे सामने भी ये रहनुमाई रहनी चाहिए अब आइए इस आयत का मुख्तसर कोई मफहम आपके सामने रखें सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर है पंद्रह वसै न इंसान अभी वाल ही एहसाना और अल्लाह फरमा और हमने इंसान को वसीयत की है वालदेन के बारे में उसने सलूक की वसीयत उस बात को कहते हैं जो किसी की असलाह की नीयत के साथ कही जाए जो ताकीद के साथ कही जाए व तो बिलहक भी हम सुर आसर में पढ़ते हैं लेकिन जब वसीयत की नस्बत अल्लाह की तरफ हो तो यह हुक्म होता है अल्लाह का अल्लाह हुक्म दे रहा है ये अहम बात है ये किसी दुनिया के किसी चार्टर का किसी आइन का किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं ये किसी पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल नहीं ये के कायनात का, का हुक्म है वसीयत की नस्बत अल्लाह की तरफ हो तो अल्लाह हुक्म देता है बहुत सही नर इंसान बिवाली दही एहसान और अल्लाह फरमाते है, हमने वसीयत के इंसान को उसके वालदेन के बारे में कुरानी हकीम में जहाँ बजा मां बाप का तस्कर अल्लाह ताला ने फरमाया कम से कम पांच मरतबा अल्लाह हक की फौरन बात मां बाप के हक को बयान फरमाया हमारे यहाँ तनजीम इस्लामी की तमाम कुरान अकेडमी दरूस की, की हलकों में कोर्सिस में हम एक को बयान करते हैं वो असलन उसाद मोहतरम डॉक्टर सराज साहब ररतब किया और उनसे कबल माजी में अमीन अमीन एहसन इस्लाई साहब ने कभी उसको मुरतब किया था डॉक्टर साहब ने कुछ इजाफे किए थे उसमें उसको मंतब कहते हैं कुरानी के मंतब मकाम का मताल है जिसका आगाज से होता है तीसरा चौथा रहा तफसीर ज्यादा मिलेंगी इनशाला डॉक्टर सराह साहब रहमत के दुरूस में और हमारे बहुत सारे लिटरेचर में तो वहां तफसीर मिलेगी पांच मरतबा अल्लाह तम अज कम अपने हक के फौरन बाद माँ बाप के हक को बयान फरमाया एक नुकता क्या है अल्लाह तालक है मगर हमारी तख्लीक का जरिया माँ बाप बने अल्लाह ताला राज है मगर हम तक रिस्क पहुँचने का जरिया मां बाप बने अल्लाह ताला मुहाफ है मगर हमारी हिफाजत का जरिया माँ बाप बने अल्लाह ताला रब हकीकी है एक एक हाजत को पूरा करने वाला जाहिर में रबूबियत अजीब लगेगा जुमला ज़ाहिर में रबूबियत की जिम्मेदारी माँ बाप ने अदा की तभी तो माँ बाप के लिए जो दुआ है सुरह बनी इसराइल की आयत नंबर चौबीस में और रबा कमा रबानी सगीरा मेरे रब मेरे दोनों माँ बाप पर रहम फरमा उस तरह के जैसे मैं छोटा था तो बड़ी शफकत से इन्होंने रबूबियत मेरी हाजात को पूरा करने की जिम्मेदारी को पूरा किया तो अल्लाह रब हकीीकी है, है लेकिन आलम जाहिर में रबूबियत वाली जिम्मेदारी माँ बाप अदा करते हैं अगला नुकता क्या है अक्सर बंदे अल्लाह की नियमतों का एतराफ़ नहीं करते अक्सर बंदे अल्लाह की ना शुक्री करते अल्लाह खुद कहता है मिन हैं वकली शकूर मेरे बंदों में थोड़े ही शुक्र करने वाले अल्लाह खुद कहते हैं तो अक्सर बंदे अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री करते हैं ऐतराफ नहीं करते एहसान फरामोश होते हैं इसी तरह अक्सर मरतबा औलाद मां बाप के साथ नाहन जारी करती है उनकी नेमतों उनके एहसानात को अतराफ़ नहीं करती फॉर ग्रांटेड लेती माल मुफ्त बेरहम वाली बात होती है और फिर नाफरमानी करती बात अभी गहरे नुकते हैं लेकिन पांच मरतबा का मुश अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद माँ बाप के हक़ को बयान फरमाया तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं वसिन अभी वालद ये एहसान और अल्लाह तरमाते और हमने इंसान को वसीयत की उसके वालदेन के बारे में हुसन सलूक की एक राय कई मुफसरन की है कि अल इंसान बिलखसूस ये सद्दीक अकबर रधी अल्लाह तन मुराद लिए गए हज़रत अबूबक सिद्दीक रधी अल्लाह तैन वो वाहिद हैं आगे जिक्र आ रहा है कि जिनके वालदे भी और औलाद सब इस्लाम में दाखिल हुए और हजूर की जियारत सबको नसीब हुई सल्हल तो बिलखसूस तो सिद्दीक अकबर का तस्करा कई मुफसरी ने फरमाया और बिलूम हर वह नेक बंदा जो माँ बाप अल्लाह का भी शक्र हो माँ बाप का भी उसका तस्कर यहाँ पर आ रहा है अमूम के अतबार से फरमाया हम अलत उम हम अल्थ उमो कुरहन उसकी माँ ने उसे उठाया हालत हमल की कैफियत में तकलीफ झेलते हुए ये कुरहा मुफ्ती शफी साहब ने भी लिखा रहमत लाइन ये काफ पर पेश है ये करहा भी होता है काफ पर ज़बर भी होता है जब काफ पर ज़बर होता है तो किसी की जबर की वजह से भी बात माननी पड़ती चारों ना चार और जब काफ पर पेश है कुरहा तो किसी वजह से कुछ काम किया जाता है यह माँ के दिल में औलाद के लिए महब्बत कौन डालता है अल्लाह ये बाप के दिल में शफकत मोहब्बत कौन डालता अल्लाह इस लफ्ज में भी झेलते हो हो कुरहा और उसे जन्म दिया तकलीफ झेलते अजीत जितने मर्द बैठे मर्द तो समझ ही नहीं सकते एक माँ कितनी तकलीफ से गुजरती है एक औरत समझ कि आज नहीं आज बेटी कल मां बन जाएगी मर्द समझ नहीं सकता तो अल्लाह एहसास दिला रहा है डिफ्रेंशिएट करके हमल में उठाई फिरती रही तकलीफ झेलते हुए जन्म उसको दिया तकलीफ झेलते हो आगे फरमाया वह हमल हो वह फिस हो फला और उसकी हमल की मुद्दत और ये दूध पिलाने की मुद्दत बच्चे के ताल्लुक से हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत ये तीस महीने है कुरानी हकीम में बकरा की आयत नंबर दो सौ तैंतीस में है वलवादात नाउ नई ने कामिल माए चाहिए माओ को चाहिए कि अपनी औलाद को दो साल मुकम्मल दूध ये दो साल मैक्सिमम उम्र है उससे पहले छुड़ाया जा सकता है और दो साल मैक्सिमम मुद्दत है इसके बाद फिर जो रजात वाले अहकाम है वह लागू नहीं होते फिर इसमें वो तफसीर वो तफासिर में देखिएगा तो दो साल तो हुए दूध पिलाने की मुद्दत का मामला तो तीस में से दो साल निकाल देने दें चौबीस महीने निकाल दे कितने बचे छः महीने ये कमस कम अज कम हालत हमल है बहुत रेयर है ना होने के बराबर सात महीने लगता है आठ महीना लगता है लेकिन इसके जेल में तफसीरी अहकाम सहावे कराम के दौर में फ़तावा मौजूद अदालती फैसले मौजूद और अगर छः महीने में ही किसी खातून के यहाँ बच्चे की विदादत हो जाए तो उस पर बुराई का इल्ज़ाम लगाना दरुस्त दुरुस्त नहीं होगा ये निकात यहाँ से अखज़ किए गए खैर वो तफस अहकामा तो आप देखिए तफासिर में अलबत् तीन बातें आई हमल का जिक्र जन्म देने का जिक्र और दूध पिलाने की मदत के दौरान की मशक्क़त का जिक्र ये तीन अहतबार से माँ का तस्करा मशहूर हदीस हम सबको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल मेरे का सबसे बढ़कर मुसैक कौन फरमाया तुम्हारी माँ फिर कौन फरमाया तुम्हारी माँ फिर कौन फरमाया तुम्हारी माँ फिर कौन तुम्हारे वालिद अल्लाह का हक सबसे ऊपर है और हाँ मोहब्बत और एतात में हुजूर का हक सबसे ऊपर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हक सबसे ऊपर और मोहब्बत और एतात में रसूल का हक सबसे ऊपर है सल्ला लेकिन खिदमत और सुलूक की बात आएगी तो मां बाप ऊपर हैं बाकी सब बात में है शोहरों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए बीवी का हक है औलाद का भी हक है मगर मां बाप के बाद है ठीक है भाई और हाँ एक खातून जो शादी शुदा है एक खातून जो शादी शुदा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अब उस पर सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है उसकी जन्नत को शोहर से जोड़ दिया गया है ये टेक्निकली बातें क्लियर रहें सबसे ऊपर अल्लाह का हक और अल्लाह के साथ अल्लाह के बाद हजूर आसम की मोहब्बत और एता टॉप पर रहे फिर माँ मा बाप का हक है और अगर एक खातून शादी शुदा तो सबसे बढ़कर उस पर शोहर का हक होगा बहरहाल तो हदीस मुबारक में भी माँ का तस्करा अलीहदा हुस्न सुलूक में माँ मा मा, मा खिदमत में मा 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 फिर बाप लेकिन एतात में बाप पहले है घर का सरबरा किसे बनाया गया मर्द को अर जालामस्सा सूर्य निसा की आयत नंबर चौंतीस में है कि मर्द औरतों पर कवाम है तो हुस्ने सुरु खिदमत ठीक है सब माँ ऊपर लेकिन घर में निज़ाम चलाना है इंटेक रखना है कानून के अतबार से और एताद के अतबार से वह बाप ऊपर रहेगा ये तो थोड़ी तफसील आ गई आगे फरमाया बाकी फिर अहादीस बहुत हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं शायद फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के पास फरमाते हैं अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराज़गी में है फरमाए कि तबाह बर्बाद हो जाए शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप या एक दोनों एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंचे और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके ये हुजूर की अपनी हदीस भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका वो वर्जन भी अहादीस में है कि हुजूर ने मिंबर पर एक एक कदम रखा एक एक सीढ़ी पर और जिब्रील अमीन ने बदवाएं की हैं गोया उसमें एक ये कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके माँ, सामने माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके अल्लाह के रसूल फरमा आमीन वो तबाह बर्बाद हो जाए फरिश्तों के सरदार की बदवा हो और रसूलों के सरदार की आमीन हो ये रद्द नहीं हो सकती अल्लाह हमारे माँ बाप का साया कायम रखे हम पर हयात है खुदा रदर करे हमारे उसद ने कहा कि अल्लाह के घर को देखो तो सवाब और माँ और बाप को देखो तो स्वब मकबूल हज का सवाब, अल्लाह के रसूल कहते हैं माँ को देखो बाप को देखो यार रसुल्ला में सौ मरतबा तू सौ मरतबा देख मेरे आपके खजानों में कोई कमी नहीं तो अल्लाह के घर को देखने का सवाब है या माँ बाप को देखने का सवाब? आपके मेरे सबसे बड़े पीर कौन है कौन है सबसे बड़े मुर्शिद आपके मेरे मां बाप जिस मां के कदमों के पास जन्नत जिस बाप की रजा में अल्लाह अल्ला के रजाला के रसुलर मे सब हयात है उनको उनका मकाम कोना खदरा नहीं है उनका ठिकाना हक तो अदा फिर भी नहीं हो सकता तभी तो सूर्य बनील में क्या है उफ बीना कहना ना झिड़कना ना नर्म। और नरमी से बात करना और अपने कंधों को आजसी से झुका कर रखना इतना करने के बाद भी माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता तो अल्लाह से दुआ करना रबा कमानी सकीरा अल्लाह मेरे बस में नहीं कि इनका हक हाँ अदा कर सकू तू इन पर अहमतें नाजिल फरमा और अगर चले गए हैं तो भाई दुआ है इस्तफार है एक आज जुम्मे पहले यहाँ या शायद लाहौर में मैं नर्स किया था हम शुक्र करें हम लोग मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान है अगर काफिर हो माँ बाप तो दुआ भी नहीं कर सकते अगर चले गए दुनिया से पूछे रिवर्टेड मुस्लिम जो इस्लाम दाखिल होते हैं गैर मुस्लिम से मुसलमान होते हैं रोते हैं कि माँ चले गई कुफर में अपने तो मैं दुआ भी नहीं कर सकता उसके लिए तो अगर चले गए तो भाई दुआ करें इस्तफार करें हदीस है मुसद अहमद में एक बंदे का दर्जा बुलंद होता है और उसको बताया जाता है तेरे बेटे ने इस्तार किया तेरे लिए इसलिए तेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है सुबह अल्लाह उनके लिए दुआ है इस्तफार है नेक औलाद माँ बा माँ बाप के लिए ऑटोमेटिकली सदक़ा जारी है हम खुद नेक बने माँ बाप को इन शर अता फरमाएगा अल्लाह तला हमें तोफीक दे अदीस में ये भी है माँ का इंतकाल हो गया खाला है तो खाला की खिदमत करो बाप का इंतकाल हो गया तो चचा की खिदमत करो चचा नहीं है माँ खाला नहीं है तो माँ की कोई सहेलियाँ होंगी घर वालों के जरिए उनकी खिदमत कर लो हजरा के लिए कह रहा हूँ, बाप के कोई दोस्त होंगे उनकी खिदमत कर लो एक हदीस में बड़े भाई का जिक्र है, उसकी खिदमत करो उसका अदब करो अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो नथिंग टू लूज मुसलमान तो जब चाहे कमाई कर सकते नई की अल्लाह में तोफ़ी कता फरमाए हता बल अशुद्ध हो यहाँ तक कि वो अशुद्धह पुख्ता हो गया एक है जिस्मानी पुख्तगी ये अठारह बीस बरस में आ जाती अक्सर मुफसरीन ने अठारह का जिक्र किया शर्यी तौर पर बालग होना के शरीयत का हुक्म लागू हो जाए वो अलग शय है वो तो हमारे तेरह चौदह साल में बच्चे बच्चे आमतौर पर बालग हो जाते हैं लेकिन जरा जिसमानी एतबार से पुख्तगी का मामला ये अठारह बरस बीस बरस में हो जाता है फरमाया कि हमल बलगा अशुद्ध हो यहाँ तक वह अपनी पुख्तगी को पहुंच गया जिसमानी एतबार से वह बल गिन सनातन और पहुंच गया चालीस बरस की उम्र को अब ये चालीस बरस की उम्र यह है शूर की पुख्तगी यह फिक्र की फिक्री एतबार से पुख्तगी जहनी एतबार से पुख्तगी का मामला और अक्सर अंबिया आलिम सलाम को भी चालीस बरस में ही इजहार नबूत का मामला हुआ वही का आगाज हुआ सिवाय सिवाई सराम के ये एक्सेप्शन है आम तौर पर अंबिया रसूल का मामला चालीस बरस में ही हुआ है वही का नजूल उन पर शुरू होने का मामला और इजहार नबूत का मामला इसको कहा गया यह है शूर के अतबार से जहनी एतबार से फिक्री एतबार से पुख्ता उम्र का मामला और ये उम्र है कि जब बंदे को सच्चे माने में सेटल हो जाना चाहिए बाज वो दायान दीन के जो गैर मुस्लिमों में काम करते हैं उनके तजर्बात मुशाहदात का एक हासिल यह है कि चालीस बरस की उम्र तक आते आते बंदे को अल्लाह मौक़ दे देता है कुछ ना कुछ सामने बात आ जाती है कुछ ना कुछ उसको मुशाहदात अल्लाह करा देता है अंदर से गवाही हक के बारे में आ जाती है तो ये शूर की पुख्तगी की उम्र है अब क्या है

मुजरमीन के लश्करों को यू कुरान कहते हैं रोका जाएगा बास होगी अकाउंटेबिलिटी होगी तो अवज़ैनी में असलन तो लगवी तर्जमा है थामना अल्लाह मुझे थामे रहने की तोफ़ी फरमा क्या मतलब गुनाह से बचने की तोफीक फरमा गुनाह से रुकने की तोफीक़ अता फ़रमा ना फरमानी से रुकने की तोफ़ी अता फरमा इसका शुक्र के साथ ताल्लुक़ क्या है शुक्रगुजारी रब की दिल से भी होती है उसकी नहमतों का एतराब शुक्रगुदारी जुबान से भी होती है इसकी नहमतों का शुक्राना अदा करना शुक्रगुजारी पूरे वजूद से भी होती है अल्लाह तला की इताद की रविश तो पूरी जिंदगी शुक्र ही शुक्र इस माना में कि अल्लाह की नमतों का इस्तेमाल भी करें उसका एतराब भी करें हलाल पर कमाना है और उसका शुक्र भी बजाना है इस जुबान से और इस पूरे वजूद को अल्लाह की फर्मा बरदारी में इख्तियार करे तो अवजे असलम तो तर्जमा रोकना थामना क्या मतलब अल्लाह मुझे गुनाहों से रुकने की तौफीक दे नाफरमानी से रुकने की तौफीक दे तो शुक्र गुजारी की तौफीक मांगना इसका मफहूम क्या है अल्लाह इतात पर आगे बढ़ा मासीयत से बचा ले अल्लाह खैर में आगे बढ़ा शर से बचा ले अल्लाह नेकी में आगे बढ़ा बदी से मुझे बचा ले रब्बी और ऐ मेरे रब मुझे तौफीक अता फ़रमा अन अशकुर निअमतक नामत अनअमत अलैया मैं तेरा शुक्र अदा करूं उस नेमत पर जो तूने मुझ पर फरमाई वह अला वालिया और मेरे वालिदैन पर फरमाई हम कुछ भी हैं जाहिर के अतबार से माँ बाप की वजह से एक साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया मशहूर एंकर पर्सन है दीनी प्रोग्राम करते हैं तो किसी ने कहा कि आपके बेटे का कद आपसे ऊपर निकल गया मसलन अगर आप छः फिट गए तो बेटे का कोई छः फिट दो चार इंच ऊपर हो गया तो उसने कहा हाँ इसके कद इसके अब्बा का कद भी शामिल है इसके कद में इसके अब्बा का कद भी शामिल कहने का मतलब भाई औलाद अगर आज कुछ है तो किसके तो फैल जाहिर सब मां बाप के तो फैल बकरी का बच्चा पैदा होता है चंद घंटे टांगे कापती सीधा खड़ा हो जाता है इंसान का बच्चा तो आठ दस महीने करवट लेने भी मुश्किल काबिल होता है बाकी चीजें हम सबको पता है कितना बेचारा मोहताज कौन है ये जो अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं किसने पेट काट के इन्वेस्ट किया था किसने रातों की नींद हराम की थी अपनी किसने इस खिजा बहार के सारे मुश्कतों के पहलू बर्दाश्त किए थे किसने अपना कम करके तुझ् लगाया था ये माँ बाप ही तो थे माँ बाप ही तो हैं। आज चार किताबें पढ़ के हम समझते हैं कि बाप ग्रेजुएट था मैं तो पीएचडी कर चुका हूं और बाप के सामने सीना तान कर बेगैरती की बात है इंतहाई गैरत के खिलाफ बात है इंतहाई नाहनजारी नालायी की बात है तो माँ बाप को जो मिला उसकी तो फैल मुझे मिला है उसका भी शुक्राना मुझ पर वाजिब तो है अल्लाह अकबर रबियान है नामिया मेरे नाम मुझे तोफ़ी था फरमा कि मैं ते उस नेमत का शुक्र अदा करूँ तूने मुझ पर फरमाई वह अल्लाइया और मेरे माँ बाप पर फरमाई वो अन आम सॉली हम और ये अल्लाह में तो नेक अमल करने वाला बन जाऊँ क्यों अल्लाह की तोफ़ी के बगैर नेगी नहीं कर सकते यही तो हासिल है इया का नाबू वह इया करम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं तेरी तोफ़ी के बगैर तेरी इबादत मुमकिन नहीं अल्लाह आइन ने अला धिक्री का व शक्री का व हुसन इबादत हर नमाज के बाद अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र के लिए और अपने शुक्र के लिए और अपनी उमदा इबादत के लिए तो अल्लाह की तोफ़ी के बगैर इबादत उसकी मुमकिन नहीं अल्लाह की तोफ़ी के बगैर उसका शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं अल्लाह की तोफ़ी के बगैर नेक अमल करना मुमकिन नहीं है वह अनह और यह कि मैं नेक अमल करूँ तरदा हो बड़ा प्यारा लफ अल्लाह जिससे तू राजी हो जाए दुनिया बहुत सी बातों को अच्छा समझती है आज तो लोग खिलवाड़ को कॉन्सर्ट को हल्ले गुल्ले को बड़ा अच्छा समझते हैं जनाब इससे लोग एंटरटेन हो जाते हैं लोगों को सुकून मिल जाता है लोगों को इतमिनान मिल जाता है लोग थोड़ा इंगेज हो जाते हैं लोगों की बोरियत दूर हो जाती है यह कितना बाजाहिर अच्छा लग रहा है मगर अल्लाह को तो पसंद नहीं अल्लाह के पैगम्म ने तो मना किया है मौसीकीत से और इस तरह की चीज़ों से आलाते मौकी से और मौसी से अखिलात मर्द से चाहे लोग कितना अच्छा किसी शय को समझ रहे हो अगर वो अल्लाह उसके रसूल की इताद के खिलाफ है तो वह अच्छा अमल नहीं और अमल बजायर कितना अच्छा हो उसमें नीयत में खोट आ जाए तो फ़क्त अशरक़ा जिससे दिखावे की नमाज अदा की उसने शिर किया अल्लाह अकबर तो अमल वो हो अल्लाह जिससे तो राधी हो जाए वो तेरी वेरे रसूल की इतात के मुताबिक हो और वखलास नीयत के साथ हो जिसे तू पसंद करे ये है बड़ी कीमती बात असल अल्लाह क्या कबूल हो जाए असल्ला क्या कबूल हो जाए तुम बड़े अच्छे लग रहे हो फलाँ बड़ा अच्छा लग रहा है क्या तुम अल्लाह को अच्छे लग रहे हो जी आप बड़े अच्छे लग रहे हैं क्या मैं अल्लाह को अच्छा लग रहा हूँ ये सोचे भाई अल्लाह को जवाब देना है बंदों की सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा बड़े बड़े सर्टिफिकेट बाहर पड़े बंदे खबर के अंदर चले हड्डियां हो गए क्या ख्याल है बड़े बड़े अवार्ड्स बाहर पड़े बंदे खबर में कुछ नहीं गया साथ, अकीदा और अमल जाना है, जिसके मुताबिक आखिरत में फैसले होने तरद जिससे तू री हो जाए और अल्लाह मेरी औलाद के मामले में मेरे लिए इसलाह का मामला फरमा दे अल्लाह अकबर ये नहीं मेरी औलाद की इसलाह फरमा दे ना ना वो इसमें शामिल है मेरी औलाद के मामले में मेरे लिए इसलाह का मामला फरमा दे क्या मतलब अल्लाह औलाद को भी खैर की तोफीक दे दे शुक्र गुजारे की तोफीक दे दे नेकी की तोफीक दे दी अपनी इताद की तोफीक दे दे तो ये भी मेरे लिए सदका जारिया बने ये कल वबाले जान ना बन जाए सदका जारिया सबको पता है गुनाह जारिया भी होता है काबिल ने कत्ल किया था हाबील को पहला कतल हदीस से बुखारी शरीफ में क्या तक जितने नाक कतल होंगे एक हिस्सा काबिल के खाते में भी जाएगा गुनाह जारी ऐसे कहते हैं गुनाह जारी ऐसे कहते हैं आज कहां लगा रखे औलाद को यह औलाद खैर का बायस बन रही है शर का जी मेरे लिए सदका जारिया बन रही गुनाह जा रिया बाकी तफसील और है शागिर्द भी हुआ करते हैं सबॉर्डिनेट्स भी हुआ करते हैं फलां भी हुआ करते हैं तफसील में नहीं जा रहा फकत औलाद पर फोकस कर लें ये औलाद कर हमारे लिए राहत का बास बनेगी कुछ और आज इसको सदका जारिया बनाए या खुदा न खासा गुनाए जा रिया हमसे पूछेगा अल्लाह सुबहान तहरहाल तो अल्लाह मेरी औलाद के तलु से मेरे मामले में इस्लाह का मेरे लिए मामला फरमा दे ये औलाद नेगी पर हो ये खैर पर हो ये सदका जारिया बने मेरी नस्लें अल्लाह तेरे दीन की खिदमत में लगे तेरी इतात में लगे ये मेरे लिए असल सरमाया है ये मेरी असल इन्वेस्टमेंट है खुदा की कसम दो फिट नीचे गए ये राहत बनेगी बात कल हशर के मैदान में खड़ोंगे राहत बनेगी बात अल्लाह के रसूल ने बेटियों के बारे में फरमा दिया दो बेटियों की परवरिश की तीन बेटियों की परवरिश की ये जहनव से बचाने का दरिया बन जाएंगी और औलाद बेटा हो बेटी दोनों सखारे बन सकते हैं ये अल्लाह के आदाब से बचाने का दरिया बन जाएंगे तो अल्लाह मेरे मामले में मेरी औलाद के तल्लु से मेरे लिए इस्लाह का मामला फरमा दे इम्नि तो बुत अलही का बेशक मैंने तेरी तरफ रुझू किया इन मिनल मिडल मुस्लिम और बेशक मैं मुसलमानों में से ये भी मुफसरीन ने लिखा हम तो समझते हैं कि साठ के बाद फिक्र करेंगे चालीस के बाद सीरियस बंदे को सीरियस हो जाना चाहिए चालीस के बाद ये कैफियात बढ़ जानी चाहिए चालीस के बाद इताद में आगे बढ़ जाना चाहिए चालीस के बाद तो तोबा में और आगे बढ़ जाना चाहिए वह इन्नी मिनल मुस्लिम ये नहीं कहा इन्नी मुस्लिम मैं मुस्लिम हूं नहीं इन्नी मिनल मुस्लिम मैं मुसलमानों में से हूं ये आजी और इनके सार की तरफ भी इशारा इसमें है अल्लाह मुझे और आपको हम सबको समझने अमल करने की तोफीक दे दो से तीन मिनट में मुखसर बात करनी है आज क्या तारीख है छब्बीस मई जी तो अट्ठाईस मई आ रही है योम तकबीर बड़ा मारूफ है जी उन्नीस सौ अठानवे चौदह मई इंडिया ने हम भारत ने एटमी धमाके किए वाजपेई ने कहा पंद्रह मई को हम पाकिस्तान की ईर्ट से देंगे अट्ठाईस मई अल्लाह ने हमारे रियासती इदारों को उस वक्त की हुकूमत को हिम्मत दी सारी दुनिया के प्रेशर के बावजूद हमने अट्ठाईस मई को एडमिट सलाहियत का ऐलान कर दिया उनतीस मई को वाजपेई ने कहा वी आर रेडी फॉर टेबल टॉक्स और कुरान की सूर्य अनफाल की जहन में रखिएगा तुरही अदो वकुम जो इस तात हो ताकत हासिल करो ताकि अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को तुम कर सको ये एटमी सलायियत खुदा की कसम अल्लाह की बड़ी अमानत पूरी उम्मत ने अल्लाह का शिक्र अदा किया कि पाकिस्तान को यानी उम्मत मुसनिमा की बात करो कि पाकिस्तान को अल्लाह ने सलाहियत दी अल्हदुल्ला उस वक्त जज्बाता मुल्क का दिफा करना है हुकूमत एक पेश पर थे अमरीका सबकी मुखालफत के बावजूद हमने काम किया अल्लाह तौफीक से और उसके बाद अमरीका इसराइल जितनी ताकत कुतें हैं उनके सफे मातम बिछी है और आज उनको खटकती है पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अलबत् एक असल योम तकबीर की भी जरूरत है वो असल योम तकबीर क्या है पिचत्तर बरस से मुल्क लिया अल्लाह के नाम पर नजरिए के नाम पर बहुत बड़ी एडमिट सलाहियत थी यूएसएसआर आज आर जमीन पर है नो बडी नोस आज पैदा होने वाले बच्चे को तो पता भी नहीं यूएसएसआर नाम की कोई शायद दुनिया के ग्लोब पर मौजूद नहीं क्यों नजरियातीसास खत्म उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी खत्म मुल्क खत्म हो गए ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना आज ये सारा कुछ बिगाड़ है इसी वजह से असबाब हैं, उन पर हम कलाम भी करते हैं जुल्म सितम कोई कर रहा है उसको भी कंडेम करेंगे चार चाद का तकदस पामाल कर उसको भी कंडेम करेंगे सब बात। जो मफादात के अंदर अनानियत के अंदर आकर जुल्म करें अपने बदले निकाल रहे और सत्तर सत्तर बरस की बूढ़ी औरत को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है वी मस्ट कंडेम दैट नो डाउट नो डाउट नो डाउट अबाउट दैट लेकिन भाई जाहिर की जो मामला है इसका

तो अल्लाह ताला उनको भी ईमान का जज्बा दे हमारे हुक्मरानों को भी ईमान का जज्बा दे हमारे सियासतदानों को भी ईमान का जज्बा दे हमें भी ईमान का जज्बा दे तौबा की तौफीक दे और असल तो योम तकबीर हमारा होगा जब इस मुल्क में शरीयत का निफाद होगा अभी तो मजाक कर करें हम शरीयत के साथ हम सूद खत्म करने को तैयार नहीं हम बेहियाई का रास्ता लोकने को तैयार नहीं वगैरह वगैरह हम तो अल्लाह के में हैं इस वक्त असल योम तकबीर हमारा होगा जब यहां शरीयत का निफाद होगा उसकी जिद्दोजहद करना हम सब पर लाजिम है अल्लाह ताला हम इसकी तोफ़ी क़ा फरमाए वाखरदावानद्ला और अबिन आलमी